नमस्कार दोस्तों, देसी फाइव स्टार में आपका स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं दही वड़े की रेसिपी। तो चलिए बिना देर के रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी में हमने यहाँ पर उड़द के छिलके वाली दाल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो दूसरी दालों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए हम सबसे पहले दाल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगा कर रख लेंगे। उसके बाद हम इसे मिक्सी में चला लेंगे ताकि इसका एक स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। पिसने के बाद हमारी दाल कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगी। तो चलिए इसमें हम अपनी बाकी की चीज़ें भी मिला लेते हैं। मसालों में यहाँ हमने सबसे पहले 1 चम्मच के करीब नमक का इस्तेमाल किया है। आप नमक को अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाते हुए फैट लेंगे। यहाँ पर इस मिक्सचर को फैटने के लिए हमने हाथ का इस्तेमाल किया है, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। आप चाहे तो विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस मिक्सचर को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही फैटते रहेंगे जब तक कि ये फ्लफी नहीं हो जाता। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक लगातार फैटने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसके वड़े बना लेते हैं। वड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई में खूब सारा तेल गरम कर लिया है। हम स्टेज पर फ्लेम को मीडियम से हाई पर रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा तेल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब वड़े तल लेते हैं। इससे पहले हम अपने हाथों को एक बार तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ताकि वड़ों का जो मिक्सचर है वो हमारे हाथों पर ना चिपके। अब हम वीडियो में दिखाए अनुसार वड़ों को बनाएंगे और उन्हें तलेंगे। अगर आप पहली बार वड़ों को बना रहे हैं तो आप वड़ों का साइज छोटा ही रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपने सारे वड़े जो हैं डाल दिए हैं। तो इन्हें 1 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। तकरीबन 1 मिनट तक पकाने के बाद हमारे वड़ों का जो कलर है वो हल्का सा सुनहरा हो चुका है। अब इन्हें थोड़ी देर तक और पका लेंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारे वड़े जो हैं पूरी तरह से तलकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल कर एक अलग बर्तन में रख लेंगे। अब हम वड़ों का दूसरा बैच भी इसी तरह से तलकर तैयार कर लेंगे। अब हमारे सभी वड़े तलकर तैयार हो चुके हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे वड़े बाहर से क्रिस्पी और अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। इसकी वजह से हमारे वड़ों में दही जो हम बाद में मिलाएंगे वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाएगी। तो चलिए अब अपनी दही के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच धनिया के बीजों का इस्तेमाल किया है, जिसे हमने रोस्ट कर लिया है। धनिया के बीजों को रोस्ट करने के बाद अब हम इनका पाउडर बना लेंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पर खूब सारी काली मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। अब हम कोई भी बड़ा बर्तन ले लेंगे जिसमें हम दही डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चला चला कर फेंटेंगे ताकि हमारी दही जो है लम्स फ्री बने या फिर इसमें कोई भी तरह का लम्स ना रहे। दही को अच्छी तरह से फेंटने के बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे। नमक के साथ साथ हम यहाँ पर 3 से 4 चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर हमने जो धनिया के बीजों का पाउडर बनाकर रखा था वो भी डाल देंगे। अब इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप इसमें चाहे तो थोड़ी सी टाटरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि हमारी दही में थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। अब आखिर में हम इसमें अपने वड़े जो हमने बनाकर तैयार किए थे वो डाल देंगे।
अब हम इन वड़ों को अच्छी तरह से इस दही के साथ एक बार मिला लेंगे। हमने इन वड़ों को पहले से पानी में भिगाकर नहीं रखा था, जैसा कि ट्रेडिशनल यूट्यूब वीडियोस में दिखाया जाता है, इसलिए इन्हें हम दही में 2 से 3 घंटे के लिए भिगाकर रख देंगे ताकि इनमें दही का अच्छी तरह से सारा फ्लेवर आ जाए। हमारे यहाँ वड़ों को इसी तरह से बनाकर तैयार किया जाता है। आप चाहे तो वड़ों को किसी भी प्रकार से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो वड़े हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देसी 5 स्टार के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।